नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका राणा स्पेस चैनल में। और आज इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ कि कैसे आप अपनी गाड़ी को घर पे ही ड्राइविंग करा सकते हैं। अगर आपकी गाड़ी बहुत गंदी है अंदर से और आप बाहर जाने में आलस करते हैं और आप चाहते हैं कोई आके घर पे सर्विस कर दे, तो एक परफेक्ट बंदा है जो गाड़ी घर पे आके साफ करता है। चलिए आपको दिखाते हैं। मेरे ही फ्रेंड है एक वरुण, जिसकी गाड़ी बहुत गंदी है अभी अंदर से, तो उन्होंने उसको यहीं पर बुलाया। तो चलिए उसके बाद चलते हैं, देखते हैं कैसे क्या करता है वो, कितना टाइम लगाता है, कैसी गाड़ी साफ करता है। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो में आपको दिखाएंगे कि गाड़ी की ड्राइकलिंग कैसे करते हैं और कैसे लोग बजट में आप ये सर्विस जो करने आए हैं ड्राइकलिंग की, कैसे आप उनको घर बुला सकते हैं। वैसे हमारी गाड़ी साकेत में है। अब देखो, ये जो गाड़ी वरुण भाई की है और ये आज स्पेशली इनकी ड्राइकलिंग करने के लिए कर रहे हैं। देखो गाड़ी की हालत देखो आप। ये गाड़ी है जो हम ड्राइकलिंग करा रहे हैं अपने घर पे, बिकॉज कोविड का टाइम है, हम लोग चाहते हैं कि घर पे लोग सर्विस करें। तो ये भैया हमारे पास आए हैं। क्या नाम है भैया आपका? बजरंगी मंडल। बजरंग मंडल जी, आप कहाँ से आए हैं? बदरपुर से। आपकी अपनी कोई कंपनी है जिससे आप ऐसी? अपना ही है। अपना ही है, तो अभी घर पे सर्विसेज करते हैं। तो अभी आपने ड्राइविंग करनी है अंदर की आज, जी ठीक सर, है। जी सर। तो आपने पहले दो बकेट लिए, एक बकेट में साफ पानी है, दूसरी बकेट में क्या क्या मिलाया? केमिकल है सर, कुछ नाम है केमिकल? सोफा शैम्पू, एमाइल, एमोनिया, एसीटोन, सब मिक्स कर देंगे। इससे क्या, अच्छा इससे क्या होता है फिर, चमक आती है अंदर? चमक आती है, जो मैल होता है मैल कट जाते हैं, गाड़ी में शाइनिंग आती है। सबसे पहले आपने क्या किया, आपने गाड़ी का सारा सामान निकाल दिया, सारा सामान निकाल दिया। पहले छत करेंगे अंदर से, फिर सीट करेंगे, फिर डैशबोर्ड दरवाजा करेंगे, फिर नीचे का फर्श करेंगे, फिर अच्छा। बाद में पॉलिश मारेंगे। तो इस गाड़ी के आप सर्विस के कितने लेते हैं? 1000 रुपये सर। सही बात है, चलिए ये सबसे अच्छी बात है कि आपको घर में सर्विस मिल जाती है। अब देखो गाड़ी की हालत कैसी है, मुझे लगता नहीं है गाड़ी कभी ड्राइक्लीन हुई है। अभी आप पहले भी आए हैं इस गाड़ी को ड्राइक्लीन करने, दूसरी भली करी होगी आपने। जी, इससे पहले कब आए थे आप? 6-8 महीने का गंद होगा ये। जी हाँ, चलिए तो ये हालत है गाड़ी की, जनरली हो जाती है क्योंकि फैमिली वाले लोग होते हैं तो बच्चों के साथ तो ऐसा गंदगी हो ही जाती है। मेरी गाड़ी खुद हो जाती है, लेकिन अभी तक तो मैं ही करता था अपनी गाड़ी साफ, लेकिन आज ये भैया आए हैं, इनकी वो देखेंगे कि ये कैसे चमकाते हैं, फिर हम भी अपनी गाड़ी खुद करना छोड़ देंगे, इनसे करवाएंगे। आप देखो ये सीट की हालत है, फैब्रिक वाली सीट है ये और ओरिजिनल सीट है ये, तो क्या हो गया है ये देखो। तो ये भैया पूरी साफ़ करेंगे, इनकी पूरी प्रोसेस आपको बताते हैं, ठीक है। ये देखो बच्चों के साथ इस सीट की देखो हालत कैसी है, मुझे लगता है 2-3 घंटे लगेंगे इस चीज़ में, तो मैं आपको बीच बीच में दिखाता रहूँगा, ठीक है। सो गाइस, काम जो है शुरू हो चुका है। इन्होंने पहले तक केमिकल लगा के, अब इन्होंने स्टार्ट करी रूफ करना। आप देखो रूफ में जो ये पैचेस हैं गंदे गंदे, ये सब ही कह रहे हैं चले जाएंगे। तो देखे काम कहाँ तक पहुँचा। अच्छा, अभी इन्होंने केमिकल डैशबोर्ड पे लगा दिया है। ये केमिकल चमक देता है, कुछ खराब तो नहीं करता? नहीं सर, बिल्कुल खराब नहीं करता सर। बहुत ही गंदा है यार, बहुत ही गंदा। तो ये कंडीशन है करने के बाद। एक सीट करिए भाई ने, अभी ये सीट हो गई है और ये सीट देखो अभी जो हो रही है। डैशबोर्ड हो गया, मुझे बंद कर दो। हाँ, डैशबोर्ड हो गया, कोई बात नहीं। कोई पॉलिश वॉलिश भी करोगे क्या बाद में? जी। तो देखो इन्होंने सीट साफ कर दी है, अंतर आप यही देख लो, ये एक साफ सीट और गंदी सीट। केमिकल का भी कमाल है, लेकिन उससे ज़्यादा मेहनत भी चाहिए, राइट?
है ना भाई साहब? जी सर, कैमरा कितना भी लगा तो ये गंदा जो गंदा निकल रहा है सीट से वो पानी में जा रहा है या सीट के अंदर चला जा रहा है? नहीं नहीं, पानी में जा रहा है। अब फिर बार बार इस पानी में चेंज करेंगे। तो आगे की तरफ हो गया है, मैं दिखाता हूँ आपको। ये सीट है देखो, ये डैशबोर्ड है। तो अभी पहले ऊपर से सफाई कर रहे हैं, छत भी करी है ना आपने? जी सर। तो पहले छत करेंगे, फिर सीट करेंगे, फिर नीचे जाएंगे सबसे आखिरी में। तो गाइस अब ये ज़्यादा चीज़ें हो चुकी है, देखो अब भाई ने स्टार्ट किया है नीचे फ्लोर करना। फ्लोर पे इस गाड़ी में खासियत है, पन्नी अभी लगी हुई है। सो गाइस तब गाड़ी जो है साफ होती है तो ऐसे पूरी खुल जाती है। देखो आप भैया हमारे लगे हुए साफ करने में। तो भाई को करते करते लगभग 2 घंटे हो चुके हैं। देखो कैसे मैट लगा के दीवार पे लगा के साफ कर रहे हैं। और ये पूरी गाड़ी की हालत देखो आप, ये सब कूड़ा गाड़ी का निकला है। और अब मैं आपको दिखाता हूँ कि अंदर से कैसे हुआ है, अभी चीज़ें कैसे बदली हैं। ये देखो ये तो फ्लोर है, ये सीट है, मैं आपको पहले दिखा चुका हूँ, ये डैशबोर्ड है। तो भाई साहब लगभग काम हो चुका है 80%। जी सर। क्या बचा है? बस हो गया, माइक लगा रहे हैं सर। अच्छा हो गया बस। सीट की देखो आप क्लीननेस कितनी हो गई है, बेहतर। पीछे वाली सीट दिखाता हूँ आपको, ये देखो। जो और रूफ देखो आप, रूफ पे मैंने आपको पहले निशान दिखाया था। इस गाड़ी में सनरूफ है, एक्सयूवी है ये। और ये पीछे की सीट मेरे हिसाब से तो अच्छी क्लीनिंग हुई है। So, ये हमारे भाई हैं जिसकी गाड़ी है, वरुण भाई। वरुण भाई आपने ये सबसे पहली बात तो ये है कि आपकी गाड़ी गंदी थी, जैसे कि हम सब जानते हैं, वीडियो में शुरू में देखा था। तो आपको ये कैसे मिले ये बंदे जो घर पे आके ड्राइविंग कर रहे हैं? क्या है कि ये मेरी गाड़ी कई सालों से साफ कर रहे हैं, मेरी सारी गाड़ियां यही साफ करते हैं। एक नोएडा में भी है कस्टम्स का, स्पार्कलर्स के नाम से, मैं उनके पास भी जाता हूँ। एंड सेकेंड तो कैसी लगी आपको उनकी क्लीनिंग? अच्छी करते हैं? सामने है, क्लीनिंग बहुत बढ़िया है, काम बहुत बढ़िया है। आजकल आपको पता है बीमारियां इतनी फैल रही हैं, तो दिस बिकम्स प्रीटी मच नेसेसरी, क्योंकि इन्फेक्शंस हैं, बच्चों ने गाड़ी में जाना है, पॉल्यूशन है, सब कुछ है। इट्स बेटर टू कीप योर कार क्लीन। राइट, एनीथिंग एल्स यू वांट टू से अबाउट द कार क्लीनर? Or you want to recommend this guy to anyone else? Sir, for sure I'll recommend this guy to anyone who wants to get his car clean. काम अच्छा है, और कोविड के टाइम में भी बेचारा देखो सब कुछ छोड़ छाड़ के आता है, काम करके जाता है। It's always better to support these people. जो प्रोडक्ट्स यूज़ करता है वो अच्छे यूज़ करता है, एंड मेरे फ्रेंड सर्कल में नाना करते हैं 8-10 गाड़ियाँ ये करता है। तो ठीक है गाइस, आई होप कि आप वरुण भाई के फीडबैक से हैप्पी होंगे। अगर आपको भी करवाना हो तो हम आपको डिटेल्स दे देंगे बाद में। ठीक है, दैट्स ऑल, थैंक यू वरुण भाई, बाय।
सो गाइज हमारा काम ख़त्म हो चुका है, अब मिस्टर बजरंगी मंडल जी से बात करते हैं। तो मंडल जी कितना टाइम लगा आपको ये गाड़ी करने में? ढाई घंटा लग गया सर। ढाई घंटे लग गया। तो आपको अगर कोई फ़ोन करे, आप दिल्ली में कहीं भी चले जाते हो? दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा, कहीं भी हो चले जाता हूँ। तो आपका काम क्या क्या करते हो इसके अलावा? क्या करते हो जैसे आप तो गाड़ी के अंदर ड्राइकलिंग करते हो जी सर, और उसके बाद बाहर क्या करते हो एक्सटीरियर में? रबिंग पॉलिश करते हैं, वॉशिंग भी कर लेते हो जी। तो भी करता हूँ, कारपेट भी करता हूँ। अच्छा, सोफा कारपेट क्लीन, वो घर का भी करते हो आप? तो गाइज इनके लिए इनसे अच्छा करवाना है, घर पे आके सर्विस कर देते हैं। कोविड में कहाँ गाड़ी लेके जाओगे आप लोग? चलो फिर आपको काम देखते हैं कैसा किया आपने। सो गाइज मैं लाइट ऑन कर लेता हूँ, ये देखिए, ये है क्लीनिंग, ये है सीट, और ये रूफ। इस गाड़ी की सनरूफ देखता हूँ तो मेरा बहुत मन करता है एक्सयूवी लेने का। ये है अपना डैशबोर्ड। चलो पीछे से दिखाता हूँ, बोलो। तो गाइज ये काफ़ी अच्छा क्लीन किया है इन्होंने, मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा क्लीन किया है, लेकिन पता नहीं अब जिसकी गाड़ी है उसको कैसे पसंद आएगा नहीं आएगा। और ये पीछे का है, सो वीडियो में आपको बता दिया मैंने, नंबर मैं उनका लेके आपको दे दूंगा, नीचे डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। आपको ये कुछ कराना हो दिल्ली में, जैसे हम तो साकेत में रहते हैं साउथ दिल्ली में, तो ये इन भाई का जो घर है बदरपुर में, तो ये आपके पास आ जाएंगे, ठीक है। सो डेट्स ऑल इन दिस वीडियो गाइज, आई होप यू लाइक इट। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो काइंडली कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, बाय बाय।